तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेपरेटिंग कैलोरी मीटर। यानी कि इस वीडियो में हम लोग सेपरेटिंग कैलोरी मीटर के बारे में डिटेल से समझेंगे कि ये कैसे वर्किंग करता है, इसका कंस्ट्रक्शन समझेंगे और इसका फंक्शन समझने वाले हैं। तो देखिए, इससे पहले हम लोग ड्राइनेस फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किए थे कि स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि स्टीम के अंदर कितना मॉइस्चर है या स्टीम हमारा कितना ड्राई है। यानी कि हम लोग वेट स्टीम का अगर बात करें तो उस वेट स्टीम के अंदर हमारा कितना मॉइस्चर है और कितना वो ड्राई है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है उसको फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि स्टीम के अंदर कितना मॉइस्चर है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के कैलोरीमीटर यूज करते हैं। तो देखिए, इससे पहले हम लोग बैरल कैलोरीमीटर या बैकेट कैलोरीमीटर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सेपरेटिंग कैलोरीमीटर की मदद से देखेंगे कि कैसे हम लोग स्टीम का जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये बहुत ही इजी प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर की मदद से आप बहुत ही आसानी से स्टीम का जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग सेपरेटिंग कैलोरीमीटर के बारे में डिटेल से समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि सेपरेटिंग कैलोरीमीटर कैसे वर्क करता है, यानी कि कैसे इस कैलोरीमीटर की मदद से हम लोग स्टीम का जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, सेपरेटिंग कैलोरीमीटर का फंक्शन समझने के लिए मैंने यहाँ पे इसका एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम की मदद से हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं कि ये कैलोरीमीटर कैसे काम करता है। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है, हमको एक जगह से स्टीम लेना पड़ेगा। तो ये जो ब्लैक कलर देख रहे हैं आप, ये क्या है, हमारा मेन स्टीम लाइन है, यानी कि हमारा ऐसा स्टीम लाइन जिसके अंदर हमारा वेट स्टीम फ्लो कर रहा हो, यानी कि हमारा वेट स्टीम इसके अंदर फ्लो कर रहा है और हमको ये पता करना है कि इस वेट स्टीम के अंदर हमारा मॉइस्चर कितना है या हमारा जो स्टीम है वो कितना ड्राई है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हमको स्टीम लेना पड़ेगा। तो इस मेन स्टीम लाइन से हम लोग एक सैंपल ट्यूब यहाँ पे ले लेते हैं। इस सैंपल ट्यूब की मदद से हम लोग क्या करते हैं, स्टीम यहाँ से ले लेते हैं। तो ये क्या है, हमारा सैंपलिंग ट्यूब है और यहाँ पे एक हमारा कंट्रोल वाल्व दिया रहता है। तो जैसे ही हम लोग कंट्रोल वाल्व ओपन करेंगे तो स्टीम जो है इस लाइन में ऐसे स्टीम फ्लो कर रहा है। तो इसके अंदर देखिए परफोरेशन है, तो इस होल्स के अंदर हमारा स्टीम एंटर करेगा और जैसे ही ये खोलेंगे तो हमारा स्टीम जो है वो इधर आने लगेगा। तो हमारा अभी स्टीम जो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके कंपोनेंट समझ लेते हैं। तो देखिए, बैरल कैलोरीमीटर हमारा नीचे लगा हुआ है और ये क्या है, हमारा सेपरेटिंग कैलोरीमीटर है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि सेपरेटिंग कैलोरीमीटर में हम लोग बैरल कैलोरीमीटर का भी यूज करते हैं, यानी कि यह एक सेपरेटिंग कैलोरीमीटर प्लस बैरल कैलोरीमीटर दोनों का कंबाइंड होता है। तो इसमें भी हमारा क्या है, दो चैम्बर होता है। ये पहले वाला देख रहे हैं, ये क्या हमारा सेपरेटिंग कैलोरीमीटर है, ये क्या है हमारा सेपरेटिंग कैलोरीमीटर है। और इसके अंदर एक हमारा आउटर चैम्बर होता है, यानी कि बाहर से एक आप बाल्टी समझ लीजिए और एक अंदर बाल्टी समझ लीजिए, बकेट है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर चैम्बर, और ये क्या है, हमारा आउटर चैम्बर है। इस आउटर चैम्बर में देखिए यहाँ पे एक हमारा प्रेशर गेज लगा है, प्रेशर गेज, ठीक है। अब यहाँ पे इनर चैम्बर में देखिए हमारा यहाँ से एक टॉप साइड से एक बॉटम साइड से ऐसे लाइन टैप किया गया है और यहाँ पे हमारा वाटर लेवल गेज ग्लास जो है वो लगा दिया गया है। यानी कि यहाँ पे जैसे ही हमारा इस बकेट इनर चैम्बर में हमारा वाटर का लेवल बढ़ेगा और यहाँ पे स्केल दिया हुआ है, इस स्केल में हमारा रीडिंग, जैसे पानी हमारा ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पानी हमारा आ जाएगा और हमें ये पता चल जाएगा कि इस बकेट के अंदर कितना वाटर का लेवल है, यहाँ पे हमें ये समझना है। तो चलिए और हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए इस इनर चैम्बर में यहाँ पे एक हमारा कप शेप में आकार बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं परफोरेटेड कप। इस कप के अंदर यहाँ पे बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, परफोरेशन होता है, छिद्र होता है, बहुत ही छोटा ना। अब होता क्या है कि यहाँ से जो स्टीम आएगा वो सबसे पहले यहाँ पे आया तो ये क्या करेगा, इस पर स्ट्राइक करने वाला है। तो यहाँ पे जैसे ही स्ट्राइक करेगा तो इस होल से क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि वाटर का जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है, स्टीम का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। तो हायर डेंसिटी वाला इस पर जैसे ही स्ट्राइक करेगा तो पानी क्या होगा, इसके अंदर पानी हमारा आने लगेगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो इस इनर चैम्बर में वाटर का जो लेवल है वो क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टीम होगा स्ट्राइक करने के बाद इसका डेंसिटी कम होता है तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा और इधर जाने लगेगा, ऐसे करके हमारा स्टीम आएगा।
और ये हमारा इस चेंबर में पूरा क्या है भर जाएगा, इधर हमारा स्टीम भर जाएगा। यहाँ पे क्या है हमारा एक स्टॉप वाल्व दिया रहता है, ये क्या हमारा यहाँ पे बंद है। अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे कंट्रोल वाल्व खोले और स्टीम ले लिए, जितना डिजायर्ड है उतना हमने स्टीम ले लिया, और स्टीम के अंदर जो भी वाटर होगा वो यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक किया तो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से पानी नीचे आ जाएगा, स्टीम ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जितना वाटर का लेवल बढ़ रहा है उतना हम लोग इसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम लोग पता कर लेंगे कि हमारा जो मास ऑफ वाटर है वो कितना है। तो ये यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो स्टीम हमने लिया उसके अंदर मास ऑफ वाटर कितना है। अब देखिए ये स्टॉप वाल्व हमारा बंद है, तो इस चेंबर के अंदर हमने अब स्टॉप वाल्व बंद कर दिया, अब हमें स्टीम नहीं लेना है, सैंपल जितना लेना था हमने ले लिया। तो ये चेंबर क्या हो जाएगा, प्रेशराइज हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा प्रेशर गेज से पता चल जाएगा कि हमारा प्रेशर कितना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये स्टॉप वाल्व खोलेंगे, तो ये स्टॉप वाल्व खोलेंगे तो ये जो स्टीम है वो कहाँ जाएगा, तो ये है हमारा बैरल कैलोरीमीटर। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग बैरल कैलोरीमीटर के बारे में डिस्कस किए थे। तो बैरल कैलोरीमीटर में क्या किया जाता है कि पहले से ही हमारा वाटर फील रहता है, तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑलरेडी इस कैलोरीमीटर के अंदर हम लोग पानी भर के रखेंगे, और जैसे ही हमारा जो स्टीम है इस परफोरेशन ट्यूब जो है इससे बाहर निकलेगा तो वाटर और स्टीम जो है वो मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होने के बाद कंडेंस हो जाता है, यानी कि स्टीम को हम लोग यहां पे कंडेंस कर देते हैं। तो इसीलिए इस चेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीम कंडेंसिंग चेंबर, क्योंकि स्टीम को यहां पे हम लोग कंडेंस करते हैं। और ये जो हमारा बैरल कैलोरीमीटर है इसको हम लोग एक वेइंग मशीन पे क्या करते हैं रखते हैं, यानी कि वेट मशीन है, जहां पे हम लोग पहले पता कर लिए कि हमारा इसका वेट कितना है, और जैसे ही हम लोग स्टीम इसके अंदर देंगे और स्टीम कंडेंस होगा तो इसका जो वेट है वो बढ़ जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, मास ऑफ स्टीम हम लोग यहां से निकालेंगे, यानी कि यहां पे हमारा एम डब्ल्यू मिल गया और यहां पे क्या मिल जाएगा, एम एस मिल जाएगा, मास ऑफ स्टीम, क्योंकि यहां पे हमने वाटर सेपरेट कर लिया, लेवल लेकर के हम लोग मास ऑफ वाटर पता कर लिए, और जो स्टीम है वो डेंसिटी कम होने की वजह से वो क्या होता है इस चेंबर में आ जाता है और इसको खोल देते हैं, तो यहां पे इस स्टीम को हम लोग कंडेंस कर देते हैं और इसका लेवल, वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, कंडेंस होने के बाद इसका बढ़ जाता है, और यहाँ से हम लोग जो वेट है वो मेजर कर लेते हैं कि पहले इस बैरल कैलोरीमीटर का वेट कितना था और जब कंडेंस हो गया स्टीम उसके बाद इसका वेट कितना हो गया। तो वेट करने से हमें पता चल जाएगा कि जो स्टीम है उसका वेट कितना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो पाइप है जो यहाँ से आ रहा है, यानी कि सेपरेटिंग कैलोरीमीटर और बैरल कैलोरीमीटर को जो कनेक्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये स्टीम आउटलेट पाइप हो गया। और इस गेज ग्लास को फ्लशिंग करने के लिए एक हमारा ड्रेन वाल्व दिया रहता है, इसको आप खोल देंगे तो कभी अगर कचरा वगैरह जमा हो गया तो ये इसको फ्लशिंग करने के लिए दिया रहता है। तो ये था इसका एक बहुत ही सिंपल सा मतलब कंस्ट्रक्शन। तो अभी इसको हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे हमने वेट ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लिए, यानी कि मास ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लिए और मास ऑफ स्टीम कैलकुलेट कर लिए, तो अब हमें कैसे निकालना है कि इसके अंदर जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो कितना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट किया जाता है, और एक्स इक्वल टू क्या होता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन, यानी कि स्टीम कितना ड्राई है, यानी कि टोटल जो स्टीम लिए उसमें स्टीम कितना ड्राई है, यानी कि हमारा जो मास ऑफ स्टीम है वो क्या रहता है, वो हमारा ऊपर रहेगा और टोटल हमारा कितना है, यानी कि मास ऑफ स्टीम प्लस मास ऑफ वाटर, ये कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो मान लीजिए कि हमने क्या किया, 1 kg स्टीम यहाँ से हम लोग फ्लो करवा रहे हैं, जिसमें वाटर का जो क्वांटिटी है, मान के चलते हैं कि वाटर का जो क्वांटिटी आ रहा है वो कितना है, तो 0.25 kg आ रहा है, और यहाँ पे जो हमारा स्टीम मिल रहा है वो 0.75 मिल रहा है, ये कितना मिल रहा है, 0.75। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 0.75 ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 0.75 प्लस 0.25, तो इसका जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो कितना आ जाएगा, यानी कि ये 1 हो गया, 0.75 करेंगे तो ये क्या हो गया, 0.75, यानी कि इस स्टीम के अंदर जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो कितना है, 75, यानी कि ये 75% क्या है, ड्राई है, इसके अंदर मॉइस्चर कितना है, तो 25% मॉइस्चर है। तो ये था एक बहुत ही सिंपल सा डिवाइस जिसकी मदद से हम लोग स्टीम के अंदर जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये जो वैल्यू आता है ड्राइनेस फ्रैक्शन का, ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है, ऐसा नहीं कि बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू देता है। क्यों,
क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब स्टीम आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे परफोरेटेड होल्स है, छोटे छोटे होल्स है, तो ऐसा नहीं है कि केवल पानी ही इधर आएगा, थोड़ा बहुत स्टीम भी आ सकता है, या जब स्टीम ऊपर जाएगा तो कुछ स्टीम क्या करेगा, पानी के पार्टिकल को भी कैरी ओवर करके इस चैम्बर में ला देगा। तो यहाँ पे हमारा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टोटली हमारा स्टीम ही आ रहा है या यहाँ पे टोटली हमारा वाटर ही प्रेसिपिटेट सेपरेट हो रहा है, कुछ कुछ स्टीम का भी पार्ट यहाँ पे आ सकता है और कुछ यहाँ पे वाटर का भी पार्ट आ सकता है। इसलिए ये जो हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन आता है ना, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है। तो इस चीज़ को और एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर से कैसे हम लोग स्टीम का जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो फाइंड आउट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप ऑन डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।